ओके, आज का वीडियो आ चुका है गाइस। सो क्रिएट योर टेस्ट इज़ अ ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम बाय अभिनव यादव, आप लिंक नीचे चेक कर सकते हैं। आज का हमारा बेस है ये टेराकोटा पॉट विच कम्स इन अ सेट ऑफ 3, और जिसके साथ ये छोटू मोटू पॉट मुझे गिफ्ट में मिला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये पॉट बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत थिक हैं, और मेरे पास ऑलरेडी एक सेट है और ये मेरा दूसरा सेट है, तो आज हम इसके ऊपर कुछ बनाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा मैजिकल मटेरियल आ चुका है, यस द फेविक्रिल मोल्डेड, और हम इसके कंप्रेजन कंपाउंड्स को मिला के गोला गोला बना लेंगे। क्वांटिटी जो मैंने यूज़ की है इस बार, इट इज़ अप्रॉक्स 1.5 ऑफ द स्लैब जो इसमें रहता है पोर्शन का, तो 1.5 का मैंने पूरा ये गोला गोला बना लिया है। हाय क्यूटी, मैं बस तुमको याद ही कर रही थी। सो गाइस, मैंने मोल्डेड का गोला गोला बना लिया है। थोड़ा सा कटोरी में पाउडर ले लिया है क्योंकि इधर उधर मैं डालती रहती हूँ और बहुत कचरा करती हूँ। तो काम स्टार्ट करते हैं, और मैंने यहाँ पे एक हल्का सा पेंसिल से मार्किंग लगा ले रही हूँ। सो स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया है कि मेरा रेफरेंस क्या है। यस, आई हैव टेकन द रेफरेंस फ्रॉम अफ्रीकन मास्क। काफ़ी कलरफुल होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी से इंस्पायर्ड होके कुछ बनाया जाए। तो यहाँ मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ वाटर प्रूफ और ट्रांसपेरेंट। अब मोल्डेड के थोड़े थोड़े पोर्शन में ले रही हूँ और इसे अच्छे से बॉल बना के इन्हें दो इक्वल बॉल्स में डिवाइड करके विद द हेल्प ऑफ टैल्कम पाउडर मैं इन्हें रोल करके एक स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर रही हूँ। इसको आप जस्ट प्रेस करिए स्मूथ सरफेस में और एक ही जैसा प्रेशर डालिए, तो ये स्ट्रैंड बिल्कुल एक जैसा फैलेगा। आप ऐसे दो स्ट्रैंड्स बना लीजिए और इन्हें इक्वली डिवाइड करके हाफ में कर लीजिए। अरे क्यूटी, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। मैडम तो अभी आई है ना, इसलिए पता नहीं है कि मैंने क्या बनाया है इस पॉट के ऊपर, अभी इतने सारे क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ फेवी ग्लू की एक और लाइन लगा ली है और थोड़ी सी नोज़ की जगह भी बना ली है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्ट्रैंड है उसको भी आप हाफ में डिवाइड कर लिया है, एंड नीचे वाली आईलिड की लाइन भी कंप्लीट कर ले रही हूँ। आप इसे आराम से उंगलियों से शेप कर सकते हैं क्योंकि अभी ये बहुत नरम है, एंड इट टेक्स एटलीस्ट 40 मिनट्स की ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। हाँ क्यूटी, 40 मिनट्स में पूरा ड्राई हो जाएगा, इसीलिए तो मैं इसे मैजिकल मोल्डेड बोलती हूँ। ओके गाइस, नोज़ बनाने के लिए इसे मैंने ग्लू के ऊपर लंबा थोड़ा सा मोटा स्ट्रैंड आइस के कंपैरिजन में मैंने बनाया है, और इसे आप टैल्गम पाउडर से पूरी तरीके से स्मूदनिंग करते हुए चलिए, यदि आपके थोड़े भी फिंगर प्रिंट्स के निशान क्ले के ऊपर दिख रहे हैं। टैल्गम पाउडर इज़ रियली अ सेवियर, आपके पूरे काम को बहुत अच्छी तरीके से ये स्मूथ कर देता है यदि आप मोल्डेड से काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे नोज़ को थोड़ा थोड़ा ट्रायंगुलर शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट इज हम दो बॉल्स छोटे छोटे फिर से बना लेंगे इक्वली साइज्ड, और इन्हें जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि बॉल को आप एक तरफ से प्रेशर देंगे और रोल करेंगे तो इट विल टेक अ शेप ऑफ अ ड्रॉपलेट, उस तरीके से मैंने इन दोनों को करके नॉस्ट्रिल बना दिए। तो आपको यदि मन नहीं है तो यू कैन स्किप दिस। थैंक यू सो मच क्यूटी, तुम ही हो मेरी रियल फैन। बट गाइज, इट इज़ टोटली अप टू योर इमेजिनेशन। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप कोई रेफरेंस इमेज ले सकते हैं, मैं ये रैंडम चल रही हूँ थोड़ा, सो यू कैन ऑलवेज टेक सम इमेज या तो फिर मास्क को देख के आप बना सकते हैं। सेम मैंने दो बॉल बना ली सेम साइज़ की इन द सेम मैनर जो ऐसे हमने पहले किया था, और मैंने आइज को प्लेस कर दिया है। नाउ दिस वन इज़ अ बिट ट्रिकी। अब सेम आप एक बॉल में से दो इक्वल पोर्शंस निकाल लीजिए, उनको थोड़ा सा लंबा शेप दीजिए, एंड देन स्टार्ट प्रेसिंग इट फ्रॉम द टॉप।
आप ऊपर से प्रेशर देंगे तो वो फ्लैट होता जाएगा, और देन ईयर जैसा शेप्स देते हुए उसको आप अच्छे से साइड्स को स्मूथ कर दीजिए। उसको मैंने साइड में सूखने रख दिया है। नाउ आई एम टेकिंग अनदर स्ट्रैंड विच इज़ थोड़ा सा थिक है, और अगेन मैं उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ। ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इज़ रियली ईजी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आपका कोई स्ट्रैंड लंबा बन जा रहा है तो आप जस्ट उसको फोल्ड करिए और उसको हाफ में डिवाइड कर दीजिए। क्यूटी हाफ मतलब यदि हमारे पास एक चीज़ है हम उसे बराबर दो जगह बांटना चाहते हैं तो हम उसे बीच में से काटते हैं या तोड़ते हैं, इसका मतलब होता है हाफ करना। अरे बाप रे, हाँ बाबा ठीक है। छोटी इसमें डरने का कुछ भी नहीं है। मैंने जो इंस्पिरेशन ली है दैट इज़ अफ्रीकन मास्क, और अफ्रीकन मास्क वहाँ के आदिवासी लोग पहनते हैं और जंगल में रहते हैं जो लोग, दो उनको आदिवासी बोलते हैं, तो वो लोग ये मास्क पहनते हैं या मास्क को अपने घर के आसपास लगाते हैं जिससे कि जंगली जानवर वहाँ से दूर रहें। क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ ना क्यूटी। सो गाइज, मैंने दो स्ट्रैंड डिवाइड करके हेयर के कर्ल्स बना दिए हैं, और मैं एक लंबी स्ट्रैंड मैंने बनाई है विच इज़ क्वाइट थिक, और इससे मैं फेस का एक शेप दूंगी या फेस का आउटर लाइन बनाऊंगी। तो दिस विल कंप्लीट द एज ऑफ अवर फेस। ऑलमोस्ट हमारा ये फेस का आउटलाइन फिनिश हो गया है। सो गाइस, कैसा लग रहा है ये वीडियो? एंड दिस इज़ अ कंप्लीट मेकओवर ऑफ द पॉट। ओके, नेक्स्ट इज़ मैंने थोड़ा सा मोल्डेड यहाँ पे लगा लिया है ऑलरेडी ग्लू लगा के, वाइल इट इज़ ड्राई, और जो कि कान हमने थोड़ा सा सूखने के लिए साइड में रख दिया था वो थोड़ा सा भी शेप ले चुका है और थोड़ा सा हार्डन हो चुका है। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ड्राई येट, तो मैंने इनको दोनों तरफ प्लेस कर दिया है। अब मैंने नॉर्मल पेंसिल जिससे मैंने ड्राइंग की थी उसी को लेके आइज़ के बीच में थोड़ा बड़ा सा होल, एंड इट इज़ क्वाइट लुकिंग लाइक अ डोनट, और मैंने थोड़े से हेड पे थोड़ी थोड़ी इंट्रिकेट कुछ चीज़ें बना ली है विच इज़ एडिंग टू द क्राउन इफेक्ट, या तो फिर कोई थोड़ी सी डिटेलिंग आप बोल सकते हैं। डॉट मंडाला टूल से, क्योंकि मेरा क्ले अभी भी सॉफ्ट है, मैं फेस के एज वाली लाइन पे टेक्सचर दे दे रही हूँ। आप इससे नॉस्ट्रेल बना सकते हैं, ईयर पे डिटेल दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आईज़ पे और हेयर्स पे इससे लाइन लाइन बना दी है कि थोड़ा सा उस पे टेक्सचर्ड इफ़ेक्ट आ जाए। सो ये होने के बाद आप इसको 40 मिनट्स या डे लॉन्ग छोड़ दीजिए और ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। तो हम इस पे अब एक कोट ऑफ जेसो लगाएंगे। जेसो मतलब? छोटी आज तुम क्या खा के आई हो? कितने भयानक क्वेश्चन पूछ रही हो तुम। मैगी खा के आई हूँ, मेरा फेवरेट। जेसो वो वाइट वाइट वाला पेंट जिससे हम बेस कोट करते हैं। सो गाइज, ये हम अपना जैसो करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसको पूरा ही बाहरी साइड से या फिर आउटर साइड से पूरा ये जैसो लगा दूंगी। वंस आप ये क्ले वर्क कर लेते हैं और आप जैसो लगा लेते हैं, आप जस्ट इसको वार्निश करके ऐसे भी रख सकते हैं लाइक अ वाइट पॉट, और या तो आप इसके ऊपर कलर कर सकते हैं। आपका जैसो का कोट सूख जाए तो आप डबल कोट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंगल कोट के ऊपर ही कलर करूँगी और इसे अच्छी तरह से सूखने दीजिए, उसके बाद ही कलरिंग शुरू करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इसको जैसो को कंप्लीट कर लिया है। यस गाइस, मैंने एक मास्किंग टेप का रोल रखा है नीचे जो शायद अभी तक आपको नहीं दिखा था, बिकॉज द सरफेस ऑफ द पॉट इज़ कर्व, और इसको मैं कैमरा के नीचे रखने के लिए आई नीड अ बेस, नहीं तो ये इधर उधर गरम गरम घूम जा रहा था। सो द फर्स्ट कलर आई एम स्टार्टिंग इज़ ग्रीन विच इज़ द डार्क ग्रीन शेड। कलर भी यहाँ मैं फेविक्रिल एक्रेलिक कलर से यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ क्वाइट अ डार्क शेड, और इसके साथ ये दिस इज़ द डार्केस्ट, और इसके साथ फिर मैं ब्राइट कलर्स कम्बाइन करूँगी। हाँ छोटी, एंड अब मेरा नेक्स्ट कलर इज़ फेवरेट कलर थोड़ा गोल्डन येलो। सो ग्रीन कलर पूरा आप ड्राई होने दीजिए, उसके बाद ही येलो कलर शुरू करिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा
गड़बड़ कर दिया था, इफ़ यू कैन सी फेस के वहाँ पे ग्रीन कलर स्मज हो गया है, विच आई विल कवर अप, डोंट वरी। और मैं यहाँ पे ईयर्स एंड आईज़ का आउटर जो लिड वाली लाइन है उनको येलो कर रही हूँ फटाफट। सो गाइज, द वीडियो इज़ फास्ट फॉरवर्ड, मैं इतना फास्ट कलर नहीं कर रही हूँ ऑब्वियसली बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट फ्लैट, तो आप प्लीज़ बहुत धीरे धीरे कलर करिए और जहाँ पे भी जगह ऊपर नीचे है इट विल टेक टाइम। सो मुझे भी बहुत टाइम लगा है एंड ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी कंपाइल्ड इन अ सिंगल वीडियो, तो मैंने जहाँ जहाँ सेम कलर हो रहा है वहाँ पर मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया है, एल्स शायद एक घंटे की वीडियो बन जाती। ऐसी कोई बात नहीं है क्यूटी, यदि वीडियो में आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग ज़रूर देखेंगे, है कि नहीं गाइस, राइट। सो नेक्स्ट कलर इज़ मैंने यहाँ रेड लिया है लिप्स पे, विच इज़ ऑब्वियस कलर, बट आप नॉन ऑब्वियस कलर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आईज़ के अंदर मैं ऑरेंज कर रही हूँ, विच इज़ नॉन ऑब्वियस कलर। सो गाइज, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो और एंड ऑल द कंटेंट ऑन दिस पेज? आप प्लीज़ यदि अभी भी ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इट विल हेल्प मी टू ग्रो, इट विल हेल्प मी टू मोटिवेट टू मेक मोर क्रिएटिव कॉन्टेंट्स। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि दिस चैनल आई डेडिकेटेड टू DIY स्टफ एंड दिस वन इज़ अ इको फ्रेंडली DIY स्टफ हियर, जो कि आप इजीली घर में बना सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि मैंने ये पॉट मंगवाया है तो आपको इस पॉट पे ही बनाना है, आप इजीली कोई भी क्ले पॉट पे ये कर सकते हैं। एंड नॉट नेसेसरीली आप कोई भी चीज़ पे मोल्डेड यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग मोल्डेड। तो यहाँ मैंने कलरिंग का काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब मैं टील कलर ले रही हूँ, माई सेकेंड फेवरेट कलर। और यहाँ पर जो मैंने डिटेलिंग हेड पर की थी लाइक अ क्राउन और समथिंग, वहाँ पे भी मैंने टील कलर और फेस के एज पे भी मैंने टील कलर कर दिया है। नेक्स्ट इज़ ब्लैक कलर, जिससे मैं थोड़ी ये हेयर्स की डिटेलिंग कर रही हूँ एंड बाय दिस विल बी ऑलमोस्ट कलरिंग का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा गाइस। सो क्या आपके घर में ऐसे कोई पॉट्स हैं जिस पे आप ये बना सकते हैं? तो प्लीज़ डू ट्राई, और आप इसको वाइड भी रख के रख सकते हैं, इट विल ऐड टू योर गार्डन, इट विल ऐड एन एलिमेंट टू योर गार्डन। और तुमको कैसा लग रहा है छोटी? तुम तो बहुत डर रही थी इससे। हाँ दीदी, अब तो बहुत कलरफुल दिख रहा है, तो शायद मेरे लिए भी बना देना। बस क्यूटी आ गई है अपने लाइन पे, हर चीज़ जो मैं बनाऊंगी उसको सब अपने लिए चाहिए। तो गाइज, मैंने यहाँ थोड़े से डॉट मंडाला टूल से डॉट्स बना दिए हैं टू इन्हेंस द कॉन्ट्रास्ट, और यहाँ पे मैंने फिंगर में थोड़ा सा गोल्डन कलर लिया है। तो ये क्या करेगा, आपकी जो चीज़ें 3D हैं वहाँ पे आप फिंगर से जब ऐसे जस्ट ऐसे रब करोगे, येस लाइक द ब्लशर जो मैंने पहले भी बोला है, तो इट विल जस्ट इन्हेंस दैट ऊपर नीचे वाला 3D इफेक्ट। और जहाँ पे चीज़ें ऊपर है वहाँ पे आपका ये गोल्डन कलर लगेगा एंड इट विल लाइक ऐड टू द स्पार्कल, या तो फिर वो हाईलाइट क्रिएशन करेगा। सो मैंने थोड़ा सा ग्रीन और गोल्डन दोनों कलर यूज़ किया है, जहाँ पे ब्लैक चीज़ें हैं या फिर डार्कर कलर्स हैं वहाँ पे ग्रीन भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मैंने थोड़ा सा ईयर के एजेस पे एंड थोड़ा हेयर वाली जगह पे थोड़े से ग्रीन कलर को रब किया है। दीज आर ऑल पर्ल कलर्स बाय फेविक्रिल, आप पाउडर वाला गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं जो मीडियम में मिला के करते हैं, या तो फिर आप पर्ल कलर का सेट ले सकते हैं विच हैज़ मेनी कलर्स। एक पर्ल कलर में ग्रीन होता है, पर्पल होता है, गोल्डन सिल्वर ऐसा पिंक होता है। सो गाइज, इट इज़ ऑलमोस्ट डन, हमारा फाइनल लुक इज़ लाइकली कम्प्लीटेड। और आप इसमें डायरेक्टली पौधा लगा सकते हैं, जस्ट लुक इन टू दैट कि आप इसमें वार्निश जरूर लगाएं अपना काम कंप्लीट होने के बाद और आपके सारे कलर सूख जाएं उसके बाद। दीदी वार्निश क्या होता है? ओके गाइस, सॉरी, वार्निश मैंने वीडियो में शूट करना भूल गई हूँ, बट वार्निश इज समथिंग विच प्रोटेक्ट्स आर कलर्स, और कि उसमें हम पानी लगे या कोई खरोंच लगे उससे वो ख़राब ना हो। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट डन, मेरे पास ये दो हैं क्योंकि मैंने एक दिन पहले एक और बना के रख दिया था ड्राई होने के लिए, सो दैट
कि वीडियो के लिए रेडी रहे। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। कैसा लगा ज़रूर बताइए, थम्स अप ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए, और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज़ कर दो। ऐसा पॉट बना के अपनी मम्मा को गिफ्ट कर दो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू गाइज़।